क्लास सिक्स आज हम आगे क्वेश्चन जो हमारा जो हम लोगों ने कल नोइंग नंबर्स पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बनाना सीखेंगे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिजिट्स गिवन है, सपोज आप क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उसमें बोला है कि आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, फाइव ग्रेटेस्ट और फाइव ही स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है आपको। अगर यही नंबर्स दिए हैं कि आपको इनकी हेल्प लेके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, तो पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे। फाइव, फाइव में हमारे पास फाइव स्लैश होने चाहिए। हमारे पास ये इंडिविजुअल नंबर है 8, 6, 5, 1, 3, हम इन सबको समराइज करके सबको यूज करके हमें एक ही डिजिट बनाना है, फाइव डिजिट। इन सबको, इन फाइव इंडिविजुअल डिजिट्स को, अलग अलग जो हमारे पास गिवन है, इनको हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है इन्हीं को यूज करके। तो इन सब में से जो सबसे पहला जो हमारा है वो है 8, तो हम पहले 8 लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 6, देन 5, देन 3 एंड देन 1। यहाँ पे सब डिजिट्स के बीच में कॉमा लगा था, लेकिन हम यहाँ पे किसी भी डिजिट के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, देन अब हमें हमसे बोला गया है हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए हमें अगेन फाइव स्लैश चाहिए। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 1। तो 1 सबसे पहले आएगा, देन 3, देन 5, देन 6 और 8। इनके बीच में कॉमा नहीं आएगा। अगर कॉमा हम लोग लगाएंगे तो दैट मीन्स वो एक इंडिविजुअल यूनिट बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बना सकते हैं। अगर आपके पास डिजिट्स कम दी हुई हैं और तब आपसे बोला जाए कि आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, सपोज आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जो आपको डिजिट्स दी हैं वो दी हैं 5, 6 और 3, आपको इन तीनों डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट बनाना है, आपको फोर ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है और फोर ही स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, बट हमारे पास जो गिवन डिजिट्स है वो ओनली 3 है। तो हम क्या करेंगे, जब फोर डिजिट्स बोला है तो हमें पहले फोर स्लैशेस बनाने पड़ेंगे। ये इजी होता है कि हाँ, ओके, ग्रेटेस्ट, तो आप देखो पहले इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो है 6, तो हम 6 को दो बार रिपीट करेंगे, देन 5, देन 3। हम उस नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं जो बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट के लिए। स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखा जाएगा 3, और 3 को ही हम दोबारा रिपीट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5 एंड 6। ये हमारा इन तीनों डिजिट को यूज करके बनाया गया फोर ग्रेटेस्ट नंबर है और ये हमारा फोर स्मॉलेस्ट नंबर है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के रूप में जो डिजिट्स हम लोग बना रहे हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज आपको बोला जाए, आपको अगेन स्मॉलेस्ट, सपोज यू हैव स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट बनाना है। आपकी कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि 3 इज ऑलवेज एट वंस, 3 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। ओके, पहले हम ग्रेटेस्ट बनाते हैं। ग्रेटेस्ट में हमें कितना डिजिट बनाना था, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 बोला है, 3 हमारा वंस प्लेस पे होना चाहिए। ओके, अब 1 से लेकर 1, 2, 9 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 आता है, हम 9, 8, 7, 6, ये हो गया हमारा
तो हम 1 to 9 से 1 to 9 के बीच में जो हमारा सबसे बड़ा आएगा 9 then 8 then 7 then 6 उसको हम यूज करके ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। इस क्वेश्चन में बोला था डिफरेंट डिजिट्स, तो ये हमारी डिफरेंट डिजिट्स भी हो गए। अब हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में भी हमें इन्हें स्मॉलेस्ट की कंडीशन भी यही है कि 3 जो है हमारा वंस प्लेस पे होना चाहिए। अब 1 to 9 अगर मैं यहाँ 1 से पहले हमारा 0 भी आता लेकिन 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, लेकिन 0 की वैल्यू हम बीच में या लास्ट में यूज कर सकते हैं तो वो मायने रखता है। तो 1 के बाद हम लोग 0 लेंगे, देन 2, 3 तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है तो हम यहाँ लेंगे 4, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपको सारे डिफरेंट डिजिट्स लेने हैं, रिपीट नहीं करने। इस तरीके से हम कंडीशन अगर हमें कोई भी गिवन हो तो हम उस नंबर को उस ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम बना सकते हैं। एक और कंडीशन देखते हैं, डिफरेंट डिजिट ही बनाना है हमें। दूसरी कंडीशन है हमारी 9 is always at 100 place। नाइन हमारी कौन सी प्लेस पे होगा? 100 प्लेस पे होगा। तो पहले हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट, पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं। अगेन 1 2 3 4 5 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, तो 1 10 100 9 हमारा यहाँ आ गया। ग्रेटेस्ट और डिफरेंट, तो जब हम 9 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो 9 से छोटा नंबर हमारा 8 देन 7 6 5 ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। और स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे? अगेन 1 2 3 4 5 9 हमारा 100 की प्लेस पे आएगा। हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 से कोई वैल्यू स्टार्ट नहीं होती। 1 हम जरूर लिख सकते हैं, हम यहाँ 0 जरूर लिख सकते हैं, देन 2 and 3 ये हमारा बोला जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो कि डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है। 5 ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट हम लोग कंडीशन के बेसिस पे भी हम बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप हमें राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स यूजिंग 6 4 8 ओनली वंस एंड देन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन है, आपको कंडीशन दी हुई है कि आपको 3 डिजिट्स बनानी है, पॉसिबल जितने भी बना सकते हैं उसमें हमें 6 4 और 8 को ही यूज करना है और देन उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। ओके, पहले 6 4 8, तो पहले हम ग्रेटेस्ट बनाते हैं फिर स्मॉलेस्ट बनाते हैं। तो पहले हम 8 6 4 देन 8 4 6 देन 6 4 8 6 8 4 एंड 4 6 8 4 8 6 ये हमारी सारी कंडीशन के बेसिस पे इन्हीं तीनों डिजिट्स को यूज करके हमने ये सारे डिजिट्स बनाई। अब डिसेंडिंग में जाहिर सी बात है 400 के प्लेस पे तो पहले ये आएगा ये 46 ये 48, तो 4 6 8 पहले आएगा, 4 8 6 बाद में आएगा, देन इन दोनों में से 648 देन 684 एंड देन 846 सॉरी हमें इसे डिसेंडिंग में अरेंज करना है। पहले हम इसे असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं देन उसको रिवर्स करेंगे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग 8 4 6 and 8 6 4 ये हमारा असेंडिंग है। डिसेंडिंग हम इसका रिवर्स कर देंगे 8 6 4 8 4 6 6 8 4 6 4 8 4 8 6 and 4 6 8 ये हो गया हमारा डिसेंडिंग फॉर्म। इस तरीके से आप उन तीनों डिजिट्स को यूज करके डिजिट्स बना, लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट टर्म इसके अंदर यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 5 डिजिट बोला गया है या 3 डिजिट बोला गया है। देन एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आप इसी की हेल्प से हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें सिर्फ आप 4 डिजिट्स का यूज करेंगे। दैट मींस आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाना है जिसमें सिर्फ 4 डिजिट्स का यूज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट हमें बनाना है 5 डिजिट्स होने, 4 डिजिट्स को हम 5 डिजिट्स में कैसे बनाएंगे? ओके, ग्रेटेस्ट तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 1 2 नहीं, हम लोग
रिवर्स काउंटिंग लिखते हैं 9, 8, 7, 6, ये हमारे पास 4 डिजिट्स है, इनको यूज करके हमें 5 डिजिट्स बनाना है। तो बड़ा नंबर हमारा 9 है तो हम 9 को ही रिपीट करेंगे, देन 8, 7, 6, इस तरीके से हमारा 5 डिजिट नंबर बन गया और सिर्फ हमने 4 डिजिट्स यूज किया 9, 8, 7, 6। वैसे ही हम स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए भी हम उसी अगर स्मॉलेस्ट बोला जाता इसी के साथ एग्जाम्पल करते हैं, अगर हमें स्मॉलेस्ट बोला जाता तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 1, 0, 1, 2 और 3 को यूज करके बनाते हैं। इसमें 0 हम पहले नहीं लिख सकते थे, लेकिन हाँ हम 1 पहले जरूर लिख सकते हैं। 0 को हम 2 टाइम रिपीट करते हैं और यहाँ 2 और 3। वैसे इन 4 डिजिट को यूज करके हमने ग्रेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाया है।